सभी को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूं जयंत पटनायक, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तबला सोलो में अब विलंबित लय बजाने के बाद हम बढ़ते हैं मध्य लय की तरफ, और मध्य लय में हम कई प्रकार के बोल बजा सकते हैं, जैसे कि चक्करदार तिहाइयां, परने, फरमाइशी चक्करदार, अनाघात और त्रिपल्ली, इस प्रकार के कई बोल हम बजा सकते हैं मध्य लय में। तो हम एक वीडियो में एक बोल डिस्कस करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं त्रिपल्ली परन के ऊपर। तो सबसे पहले इसका स्वरूप जान लेते हैं। जैसे कि इसका नाम है त्रिपल्ली परन, तो ये परन का स्वरूप है। इसमें समूह समूह में बोल आएंगे। अब त्रिपल्ली परन में तीन प्रकार की लय दिखाई जाती हैं। सबसे पहले स्लो वाली लय, उसके बाद मध्य लय और उसके बाद फास्ट वाली लय। सेम बोलों को तीन लयों में बजाकर आखिर में तिहाई दिखाकर बोलों को सम पर लाया जाता है। तो ये है त्रिपल्ली परन। अब पंजाब घराने की एक त्रिपल्ली परन देख लेते हैं। पहले मैं बोलकर बताता हूँ, फिर मैं बजाकर आपको सुनाऊंगा। 1 2 3 स्टार्ट। धा गे न क त गे ध त्र क धि कि ट क त क धि ग न न के न न के न क त गे न ध त्र क धि कि ट क त क धि ग न ध क त क धि ग न ध धि कि ट क त क धि ग न ध गे न क त गे न ध त्र क धि कि ट क त क धि ग न न के न न के न क त गे ध त्र क धि कि ट क त क धि ग न ध ध त्र क धि कि ट क त क धि ग न ध ध त्र क धि कि ट क त क धि ग न ध क त क धि ग न ध कि धि कि ट क त क धि ग न ध गे न क त गे न ध त्र क धि कि ट क त क धि ग न न के न न के न क त गे न ध त्र क धि तो ये है त्रिपल्ली परन। अब इसको एक बार बजा कर देखते हैं। 1 2 1 2 3 सात धा छेवीं लय में बोलों को बजाया जाता है। तो ये तीन लय इसमें दिखाई गई है। बोलों को देखते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। धा गे न क त गे न धा त्र क धि कि ट क त ग धि ग न धा त्र क धि कि ट क त ग धि ग न धा गे न क त गे न धा त्र क धि कि ट क त ग धि ग न ना के न ना के न ना के न। असल में बोल ना के ना है। उसको खूबसूरत बनाने के लिए सिर्फ चाटी पर आप ना के ना दोनों बोल बजा सकते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। धा गे न क त गे न धा त्र क धि कि ट क त ग धि ग न ना के ना न के न क त गे धा त्र क धि कि ट क त ग धि ग न धा क त ग धि ग न धा धि कि ट क त ग धि ग न धा। इसमें क त ग धि ग न धा क त ग धि ग न धा धिकिट क त ग धि ग न ये धिकिट क त ग धि ग न बराबर की लय में आ जाएगा, एक टेम्पो ऊपर हो जाएगी। 1 2 3 स्टार्ट। था कता गदी गन था कता गदी गन था निकट कत गदी गन था गे न कत गे न रत्र कत निकट कत गदी अरे न रत्र न कत गे न रत्र कत निकट कत गदी गन था रत्र कत निकट कत गदी गन था रत्र कत निकट कत गदी गन था। इसकी तिहाई पहले वाली स्लो वाली की तिहाई से अलग है। इसमें तिहाई है धत्र गधि की टका ता गधि गण धा धत्र गधि की टका ता गधि गण धा धत्र गधि की टका ता गधि गण धा कत गधि गण धत्र गधि की टका ता गधि गण। ये बोल है कत गधि गण धत्र गधि की टका ता गधि गण। और ये छठी लय में बजेंगे, यानी कि जो स्लो में तीसरी लय स्टार्ट हुई है उसकी डबल लय में बजेंगे। 1 2 3 सेम बोल है। धा गे न 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 धा गे
की हाई है तान तान ता धा, तान 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 ता धा। ता को जोर से बजाएंगे तो न की आंस पैदा होगी। तो आखिरी पल्ला देखते हैं, 1 2 3 4। तो ये है त्रिपल्लीपरण। मैं नीचे लिखकर भी आपको बता दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या राइट डाउन कर सकते हैं। अब त्रिपल्लीपरण को एक बार पूरा बजा कर देखते हैं। आप 3 ताल में इसको मेरे साथ गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये हो गई त्रिपल्लीपरण 3 ताल के लिए। अब इस बोल को लेकर मैं एक आपसे नॉलेज वाली बात शेयर करता हूं। इसका जो तीसरा पल्ला है, अगर उसको आप रूपक में या दीपचंदी या 7 मात्रा या 14 मात्रा किसी में भी 3 बार बजाएंगे तो वो फरमाइशी चक्करदार बनकर सामने आएगी। जी हाँ, अगर इसके तीसरे पल्ले को आप रूपक में 3 बार बजाएंगे तो वो आपकी रूपक की फरमाइशी चक्करदार परन बन जाएगी। तो आइए इसको एक बार रूपक में गिनते हैं। तिन तिन ना धिन ना धिन ना तिन तिन ना धिन ना धिन ना धागे नकत्तगे नराज के दिक्कत कत्तगे दिगन नागन नागन नकत्तगे नराज के दिक्कत कत्तगे दिगन तान तान ता ता नागन नागन नकत्तगे नराज के दिक्कत कत्तगे दिगन तान तान ता ता नागन नागन नकत्तगे नराज के दिक्कत कत्तगे दिगन तान तान ता ता धागे नकत्तगे नराज के दिक्कत कत्तगे दिगन नागन नागन नकत्तगे नराज के दिक्कत कत्तगे दिगन तान तान ता ता नागन नागन नकत्तगे नराज के दिक्कत कत्तगे दिगन तान तान ता ता नागन नागन नकत्तगे नराज के दिक्कत कत्तगे दिगन तान तान ता ता धागे नकत्तगे नराज के दिक्कत कत्तगे दिगन नागन नागन नकत्तगे नराज के दिक्कत कत्तगे दिगन तान तान ता ता तो ये रूपक ताल में आड़ लय का फरमाइशी चक्करदार परन आपका तैयार हो गया। एक बोल से आपके 2 बोल तैयार हो गए, एक त्रिपल्ली का 3 ताल में और दूसरा रूपक ताल में फरमाइशी चक्करदार परन। अब इसको रूपक में एक बार बजाकर देख लेते हैं। तिन तिन ना तिन ना तिन ना आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।